हर वीकेंड के उत्ते असी जलंधर के कॉफी हाउस जाना जिहड़ा कि लिखारियां का मक्का बन चुका सी। उहदे लई जेब च पैसे ना होने तो साइकिल 35 मील साइकिल चला के जगतपुर तो जलंधर जाना ताकि उहदा साहित्यकारां दी संगत मिले। मोहन सिंह, जसवीर सिंह आलूवालिया, कुलवंत सिंह विरक, ये सारे मैनू जलंधर के कॉफी हाउस में मिले। उत्थे दिल्ली तो डॉक्टर हरभजन सिंह, दविंदर सत्यार्थी, बलवंत गार्गी दिल्ली तो आए। उत्थे ही सानू राजेंद्र सिंह बेदी मिले जो बॉम्बे तो आया। तो आले दुआले एस एस बीशा, सुरजीत सिंह सेठी, डॉक्टर गुरमेल, महरम यार, डॉक्टर जगतार, ये सारे लोग आले दुआले रहिंदे सी थोड़ी थोड़ी दूर। तो असी सारिया ने अजैब कमल डांडिया सीगा बड्डों पढ़ाउंदा सी, असी सारिया ने वीकेंड के उत्ते जलंधर कट्ठे हो जाना। तो काफ़ी हाउस 10 बजे खुलता सी, रात को 11 बजे बंद होना। उत्थे असी बैठकां लाउणियां ते उत्थे एक दूए तो प्रेरणा लैनी, एक दूए दी कवितावां दी छिल लाउणी, एक दूए नूं दुरुस्तियां देणियां। वो काफ़ी हाउस ने ही सानू आधुनिक ते बहुत एक शायर बनाया। बहुत कुछ पढ़िया उन्हां दिनां च, किताबां पढ़ के आउणा, अंग्रेजी दीआं किताबां बहुत पढ़िया, स्टीफन स्पेंडर दी स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, रशियन साहित्य सारा, फ्रेंच साहित्य सार्त्र तो लैके कामू तक, तो अंग्रेजी साहित्य टी एस एलियट ते शाह, ये सारे जिहड़े सी किंग्सले एमस, डबल्यू डी डी एच लॉरेंस वगैरह, ये उन्हां दिनां विच पढ़ने, पढ़ के आ के दोस्तों नाल डिस्कस करने। उन्होंने कोई किताब पढ़नी तो उन्हां तों बोरो करके वह लै जानी तो वह पढ़नी। एक किस्म का असी जिहड़ा कॉफी हाउस साढ़े लिए सी वर्कशॉप सी लिटरेरी फिगर बनने वास्ते, बड़ी वड्डी ट्रेनिंग मिली। तो उत्थे असी एक मूवमेंट चलाई जिहदा नाम है प्रयोगशील लहर। ये 1961 में असी शुरू की जी। इस प्रयोगशील लहर ने जिहड़ी साथों पहली लहर सीगी परंपरा प्रगतिवादी रोमांसवादी धारा जिहनूं अमृता प्रीतम धारा भी आख्या जांदा, उहदा भोग पाया। वह 20 साल तक चली, उहदे च खड़ोत आ गई। वह जिहड़े उन्होंने बिंब चिन्ह सी उही कसे पिटे मुड़ मुड़ के लोग वरती जाण, उही मजदूर दा ते किसान दा जिक्र, उही नारेबाजी फोकट जिहदा जिंदगी उस वेले जिंदगी नाल कोई संबंध नहीं सी वह लिखी जा रहे सी। ते वो नारा सीगा तांबे दा आसमान बन सी धरती बन सी लोहे दी, आने वाली पर क्यामत आने वाली होएगी। मोहन सिंह दीआं बड़ियां मशहूर लाइनां ने, वो ना क्यामत आई, ना इनकलाब आया, ना धरती लोहे दी बनी, ना आसमान तांबे दा बनिया। ते असी उस तो सब तो फैडअप हो चुके सी। असी चाहुंदे सी कि असी जो च्यून जीवदे आ वो लिखिए। जलंधर दा काफी हाउस आ वो साडी जिहड़ी पंजाबी कविता ते बाकी दे साहित विच उस वेले नवी धारा असी चलाई जिहदा नाम सी प्रयोगशील लहर, ये काफी हाउस उहदा गढ़ बन गया। इस धारा नूं चलाउण वाले 3 या 4 प्रमुख नाम ने जिन्हां विच डॉक्टर जसवीर सिंह आलूवालिया, अजायब कमल, सुखपाल वीर सिंह हसरत ते मैं रविंदर रवि, असी 4 जने शामिल सां। बाद में साढ़े नाल एस एस मीशा, सरबंस ते बाकी सारे मोहन सिंह, डॉक्टर भजन सिंह, सुफीर साहब, ये सारे पुराने लोग भी शामिल हो गए। ये भी नवे नवे प्रयोग कर लग पे, कहिंदे पे वक्त आ बदलना चाहिदा, क्योंकि सभ्यता उस वेले जिहड़ी सी समाज सीगा उद्योगवादी हो गया, उहदे च बड़ियां चेंजेस आईयां। लोड़ सी कि असी ख्याली तौर दे उत्ते इनकलाब लिआउण दी थां जिहड़ी उस वेले दी जिंदगी है उहनूं समझिए, अपनी जिंदगी बारे कुछ लिखिए, ते उद्योगवादी सभ्यता दे विच जिहड़ियां नवीं प्रॉब्लम्स जिहड़ियां समस्यावां पैदा हो रही सीआं उहनां प्रति सोचिए। सो इस तरह प्रयोगशील लहर ने प्रगतिवादी रोमांसवादी धारा दा अंत कीता ते नवीं कविता लई राह खोलिया। ये 3 साल का जिहड़ा समा है 1961 तो 63 तक का, इहनूं असी प्रयोगशील लहर का समा मानते हैं। इस तो बाद जिहड़ी प्रयोग जिहड़े ने प्रयोग किते इसलिए जाते हैं, एक्सपैरीमेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई होर नवीं परंपरा कायम की जा सके। तो जिहड़े एक्सपैरीमेंट होंदे आ दो तरह के होंदे ने मोटे तौर पर, एक तो यह होंदे ने विचारां विच नवे विचार लिया के नवे नवे तजर्बे करने, जिहदा थीम नाल सबजैक्ट मैटर दे नाल विषय दे नाल संबंध हुंदा।
दूजी तरह के प्रयोग होंगे ने जेडे कि ये नाल भी तुर सकते वह है रूप के प्रयोग फॉर्म के प्रयोग नवे बिंब नवे अलंकार नवी नवी तस्वीर नवे नवे क्रिएटिव प्रोसैस तो स्ट्रक्चर जी है साहित्य की उन्होंने टोटली बदल के अज के हाण का बना। सो इस तरह असी 3 साल प्रयोग करके जड़िया उस वेले दियाँ विश्व पद्धर उत्ते चल रही अंग्रेजी फ्रांसीसी ते होर जबाना विच धारावां सी मुख जिस तरह के आधुनिकता सी मॉडर्निटी उत्तर आधुनिकता उस तो बाद चली विच विचाले ब्रह्मंडक चेतना कॉस्मिक ग्लोबल कॉन्शियसनैस जिहड़ी आ उहदी गल तुरी जिहदा मैं मुख प्रवक्ता बनिया ये जिहड़ी ग्लोबल ते ब्रह्मंडक चेतना ही बाद विच जाके अज जिहड़ी गल चलदी है विश्वीकरण की ग्लोबलाइजेशन की ये गल असी 1963-64 विच शुरू करती सी पंजाबी विच करनी लोग हुण करन लगे। सो इस तरह इन्हें रस्ता खोलिया नवीं धारावां दे दे चलन दा। 1961 विच मेरा पहला काव्य संग्रह दिल दरिया समुद्रों डूंगे छपया। 1963 विच दूजा काव्य संग्रह बुकल दे विच चोर छपया जिहनूं प्रोफेसर मोहन सिंह जो साडे बहुत वड्डे और अजीम शायर ने प्रगतिवादी रोमांसवादी धारा दे ते बाद विच साडे नाल वी रल गए उन्हां दी एक फर्म हुंदी सी हिंद पब्लिशर्स जलंधर उहदे वल्लों उन्होंने प्रकाशन अदारे वल्लों मेरी किताब छापी तो बड़ा बड़ा मन खुश होया कि एडे वड्डे शायर ने मेरी किताब छापी है तो उस किताब दी बहुतियां कवितावां जिहड़ियां ने वो एक मासिक परचा कढ़दे हुंदे सी पंज दरिया मोहन सिंह होरी उहदे विच छापियां। तो होर खुशी की गल ये भी हुई कि मेरे मित्र ते प्रयोगशील कवि अजायब कमल दियां 2 किताबां ताश दे पत्ते ते शतरंज दी खेड वह भी प्रोफेसर साहब ने छापी ते से मेरे होर मित्र SS मीशा की किताब चौरस्ता भी प्रोफेसर मोहन सिंह ने छापी बाद विच डॉक्टर हरभजन सिंह की अदरैणी भी उन्होंने छापी। सो इस तरह साडे पब्लिशर भी जलंधर साडे जिहड़े जिहड़ा प्रयोगशील लहर का गुरद्वारा कह लो मक्का कह लो मठ कह लो वो भी जलंधर का कॉफी हाउस उत्थे असी कट्ठे होण लग पए। एक होर एक घटना घटी कि जलंधर का जिहड़ा रेडियो उन्हां दिनां च TV नहीं सी हुंदा दूरदर्शन नहीं सी हुंदा कल्ला रेडियो प्रोग्राम ही हुंदा सी ते रेडियो दे दुआले ही सारे साहित्यकार जुड़े हुए सी ते रेडियो स्टेशन का जिहड़ा डायरैक्टर सी उहनूं बड़ी वड्डी जॉब मन्नी जांदी सी ते उत्थे हिंदी का प्रयोगशील कवि जिहड़ा हिंदी दे बहुत वड्डे कवि अगेय का साथी सी वह जलंधर के स्टेशन का डायरैक्टर बन के आ गया वह नाम सी गिरजा कुमार माथर उहदी पत्नी शकुंत माथर भी प्रयोगशील कविता लिखती सी उहनां नाल साडा संपर्क होया तो साडा रस्ता होर खुल्लिया सानूं नवें चानण होए तो असीं नवें रस्ते वल तुर पए। इस तरह जिहड़ी दिल दरिया समुद्रों डूंघे 61 विच छपी उहदे विच कुछ प्रभाव मेरी पहली परंपरा दे भी सन लेकिन मैं प्रयोग जिहड़े सी करने शुरू कर दिते। 63 विच बुकल दे विच और टोटली प्रयोग नवे प्रयोगों की नवी चेतना की किताब सी बिंदू जिहड़ी है वह मेरी तीजा काव्य संग्रह आ जिहड़ा कि 1965 विच छपदा इहदे नाल मैं पूरी तौर पर एक आधुनिक कवि के रूप में स्थापित हो गया। तो 64 विच मैं एक किताब एडिट करके छापी जिहदा नाम सी प्रयोगशील काव्य दर्पण इहदे विच असी प्रोफेसर मोहन सिंह ते सफीर तो लैके सरबंस तक जगतार भी उहदे विच शामिल सी हरभजन सिंह हुंदल भी शामिल सी पुराने सत्यार्थी अमृता प्रीतम जिहड़ा जिहड़ा लोगों ने नवें प्रयोग करन दा उपराला कीता उहनां दीआं कवितावां इहदे विच छापियां। 3 इहदे विच लेख छापे एक मेरा लेख सी मुख एक डॉक्टर जसबीर सिंह आलूवालिया दा एक डॉक्टर हरभजन सिंह दा ते इहदे एक सैक्शन विच असी 13 कवितावां दे इंडिविजुअल स्टडीज गहन अध्ययन जिहनूं कहिंदे आ एक कविता उहदे उत्ते पूरा एक आर्टिकल 13 कवितावां दे गहन अध्ययन छापे ते 4th हिस्से विच असी उस वेले दे जिहड़े उठ रहे नवें कवि सी सुरेंद्र गिल रणधीर सिंह चंद जगजीत बराड़ रणधीर बेदी अमरजीत चावला जिन्हें बाद अक्सर रसाला कढ़िया इन्हां दीआं कवितावां शामिल कीतियां। सो इस तरह ये उस लहर दी दा लेखा जोखा करन लई किताब छापी गई सी ते
1956 तो लैके 64 तक मैं जगतपुर टीचर लगा रहा जी। 64 दा दे विच मैनू 6 महीने लई गवर्नमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल जिहड़ा लाडोवाली रोड ते सी उहदे विच हाई स्कूल विच ट्रांसफर कर दिता ग्रेड दे के ज्ञानी दा। उत्थों 6 महीनों बाद उन्होंने मैनू गवर्नमेंट हाई स्कूल तलवण विच बीटी दा ग्रेड दे के भेज दिता ते मैं तलवण जाके टीचर लग गया। ते तलवण विच फिर जिहड़ी मैं किताब लिखी उहदा नाम सी मौन हादसे। वह 1965-66 दी नज़मा ने छपी है। 1967 मेरे कीनिया जाने तो बाद पर इच नज़मा उस वेले दिया ने। सो यह सारा लम्मा सफर आ मेरा 1956 तो बतौर अध्यापक शुरू होया ते 1966 तक दे 10-10.5 वरे दा 97.5 रुपए तो शुरू करके मैं 244 रुपए तक पहुँचया। इन्नी मेरी आर्थिक तौर पर तो गुजारा नहीं सी हुंदा। कवि दरबारा दे ते जाना, गाइड लिखने, रेडियो दे प्रोग्राम करने, फिर भी जिहड़ा तबीयत बड़ी शाही सी, दारू शारू पीण दा शौक सी, यारां दोस्तां नाल बहण दा सैर सपाटे दा बड़ा शौक सी, उहदे लई पैसे चाहीदे आ, उन्ने पैसे है नहीं सी। इस लई हर वेले ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਰਮ ਯਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਸੱਤ ਭਮਰਾ। ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਰਮ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਡਮ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਰਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣ ਕਾਦਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਟੋਰੋਂਟੋ, ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਪੋਇਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ। ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ MA ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਬੰਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਥੱਕ ਅਤੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ 420 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ CID 'ਚ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਬੋਂਬੇ ਤੱਕ। ਬੋਂਬੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬੋਂਬੇ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੋਂਬੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ